मॉर्निंग फ्रेंड, अभी मैं एक आश्रम के पास हूँ, मेट्रो स्टेशन। अभी मैं मेट्रो पकड़ने के लिए आया हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा केंद्रीय सचिवालय इंडिया गेट घूमने के लिए। तो काफ़ी देर से निकला हूँ, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रह रहा इसलिए, तो आप लोग बने रहिए। गाइज, मैं अभी आ गया हूँ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं अभी यहाँ से जाऊँगा बाहर इंडिया गेट घूमने के लिए, तो चलिए चलते हैं। मैं अभी मेट्रो स्टेशन से उतर गया हूँ और अभी मैं जाऊँगा इंडिया गेट। लेकिन दिल्ली में बहुत गर्मी है, बहुत है। हमारे गांव के तरफ उड़ीसा में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन यहाँ दिल्ली में अरे दिल्ली की गर्मी, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं चलता हूँ इंडिया गेट और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। आओगे ना आप लोगों को ना कहीं ना कहीं हर जगह आपको बंदर ही बंदर दिख जाएंगे, कहीं पेड़ों पे कहीं बैठे होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, या बंदर पूरे खुले में घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं मेरे पीछे है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिस, क्या ऑफिस है, क्या दिखता है। और मेरे इस तरफ है ना गाइस, मैं आप सबको बता दूं, अभी मैं जिस जगह पे हूं ना, ये पूरा का पूरा वीआईपी एरिया और ये पूरा दिल्ली का मेन एरिया है। यहीं पे सारा राष्ट्रपति भवन उस तरफ है, उस तरफ राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट उस तरफ है, और मेरे पीछे ये पूरा वीआईपी रोड है। और यहाँ पे वॉक करते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, हर तरफ आर्मी वाले, इंडियन आर्मी, हर तरफ हमारे इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यह है राष्ट्रपति भवन। यार कितना औसम कूल लग रहा है देखने में। चलिए चलते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे इस तरफ में ये वाली जगह, ये तेलंगाना भवन है, और मेरे पीछे आंध्रा भवन है। तो ये पूरे वीआईपी रोड है, यहाँ पे दुनिया भर के पॉलिटिशियन लोग यहीं पे आके रुकते हैं, यहीं पे रहते हैं। ये देखिए हैदराबाद हाउस, आप लोगों को ये हैदराबाद हाउस है, हैदराबाद हाउस। यार ये सब टीवी पे ही देखा करते थे न्यूज वगैरह में, अब खुद अब पास में आकर देख रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है।
हैदराबाद हाउस, ये ठीक मेरे पीछे, और मेरे आगे की तरफ है इंडिया गेट। फाइनली मैं पहुंच गया यार, बहुत वॉक करते हुए आया, फाइनली अब मैं पहुंच गया इंडिया गेट। हेक्सागन इंडिया गेट सर्कल। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ इंडिया गेट, और ये आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई है कि अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काम वगैरह चल रहा है बोल के। तो यार हम लोग कौन सा काम खराब कर देते हैं यार। कितना दूर से आया, सोचा अंदर घूमूंगा, लेकिन अंदर कहीं से भी जाने नहीं दे रहे, तो यहीं से मुझे वापस जाना पड़ेगा। गया तो था इंडिया गेट देखने के लिए, लेकिन पूरा मूड खराब कर दिया यार। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, मेरे पेट में आज ना दिक्कत हो रहा था, मैं सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया हूं यार। छोटे मोटे काम चल रहे हैं वहां पे, घुसने देना चाहिए यार। पार्क है पास, लोग बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं आसपास। हाँ कम से कम थोड़ा पास से फोटो तो एक उठा लेता, कोई बात नहीं फिर कभी। अभी देखते हैं मेरे को और क्या क्या दिखता है यहाँ पे। हमारे देश के नेता लोगों के तो बहुत सारे घर वगैरह ऑफिस दिख तो रही है। पता नहीं यार प्रधानमंत्री का घर किस तरफ होगा, कंप्लेंट ठोक के पक्का आता मैं। काफी थक गया हूँ यार, मेरे को ना बहुत दूर पैदल चल के आना पड़ा बस ये बंद है ये देखने के लिए। होता है होता है, हो जाता है कभी कभार, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। हे गाइस, ये घर है नरेंद्र यादव एमपी के, राज्यसभा है ये, देख सकते हैं आप लोग। और ये आप देख सकते हो हिना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। लोकसभा के राज्यसभा के जितने भी एमपी वगैरह चुने हुए हैं वो सबका भवन यहीं पे, ये देखिए। इसलिए उस समय बोल रहा था मैं ये पूरा वीआईपी रोड है, लेकिन ये इस तरीके से रखा हुआ ना किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा ये किसका है किसका नहीं है। पीछे की तरफ कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, आगे की तरफ कुछ नहीं है। ये एक लोकसभा पार्लियामेंट, रवनीत सिंह ठाट है भाई इन लोगों के तो। तो राष्ट्रपति भवन पता नहीं देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, एंट्री तो कहीं करने दे नहीं रहे हैं, तो शायद आसपास से भी दिखेगा तो देखूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। बोलो आज का दिन मेरा बहुत बैड लक है, पहले तो इंडिया गेट घूम नहीं पाया क्योंकि वहां काम चल रहा था, अभी ये देखिए राष्ट्रपति भवन मेरे ठीक पीछे है, वहां पे भी काम चल रहा है, तो वहां पे भी घुसने अलाउ नहीं है, और काम डेढ़ महीने तक चलेगा, तो डेढ़ महीने तक कोई अंदर नहीं जा सकता। ये मेरी किस्मत, राष्ट्रपति भवन के पास आके भी अंदर घुस नहीं पाया, पहले अलाउ करते थे अंदर, अब अलाउ नहीं कर रहे यार। आप लोगों को दिखाता हूं दूर से ही,
आप लोग मेरे पीछे बैरिकेडिंग है, ये देखिए, तो मैं बैरिकेडिंग के स्पार्स लगा रहा हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 मिनट चल के जाएंगे ना राष्ट्रपति भवन आ जाएगा, लेकिन क्या करें यार। तो वैसे भी आज मेरा दिल्ली में आखिरी दिन है, कल मेरा ट्रेन है रायपुर के लिए। मैं यूपी जाऊंगा सोचा था, लेकिन यूपी मेरे को भी कैंसिल करना पड़ रहा है। तो कल का मेरा ट्रेन है और आज मैं अपने कोई जा नहीं सकता, शाम होने को आया और अब हॉस्टल भी जाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं, राष्ट्रपति भवन तो घूम नहीं पाए। आरके आश्रम पे और अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपने हॉस्टल को। तो गया तो था इंडिया गेट देखने, राष्ट्रपति भवन देखने, देख तो नहीं पाया, देखा मतलब दूर से देखा, पास नहीं जा पाया, बस इतना ही है। देखा अच्छे से देखा लेकिन पास नहीं जा पाया, बस इसी बात का अफसोस रहेगा। तो अब चलते हैं।